हुआ है, क्या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आपके सामने आया, गलती किसकी रही, पैमाइश से क्योंकि शुरुआत हुई थी? अभी हमने परिवार वालों के साथ में वार्ता की है। ये बहुत ही दुखद आपराधिक घटना है जिसमें जो अपराधी है वो हिस्ट्री सीटर है और उसने अपने ही परिवार के लोगों की यहाँ पर हत्या की है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया गया है। जो प्रश्न आ रहा था कि इसमें इन लोगों के बीच में क्या विवाद है, इसके संबंध में हमने अभी परिवार से पूरी बात की है। उनका कहना यह है कि जमीन संबंधी ये दोनों सगे भाई हैं, इनके लल्लन के भाई हैं सलीम, जिनकी बेटी को लल्लन और उसके बेटे ने गोली मारी है। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका आपस में कोई जमीन का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक संयुक्त खाता था जिस पर कि बंटवारे का मुकदमा हुआ था और बंटवारे का वाद निर्णीत हुआ था 2013 में। उसके बाद उसकी निगरानी 2018 में की गई थी, जो कि अभी कमिश्नरी में उसकी अपील चल रही है। इसी बीच में अभी जनवरी में एक पक्ष ने, इसमें बहुत सारे पक्षकार थे, 7-8 पक्षकार थे, उसमें एक पक्षकार ने उस आदेश के एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन किया था एसडीएम के समक्ष और एसडीएम ने तहसीलदार को, तहसीलदार ने कानून गो को निर्देशित किया। कोई भी बात कहनी होती है, जैसे कोई कोर्ट में गया हुआ है और वहां से कोई स्थगन आदेश है या कोई दूसरा आदेश किसी कोर्ट का है, तो वो उसको प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद में फिर आगे की कार्यवाही डिसाइड की जाती है। तो नोटिस का मतलब होता है सभी पक्षों को सूचना दिया जाना, वो सूचना दी गई थी और उसके तहत आज की तिथि नियत की गई थी। तो ऐसा संज्ञान में आया है कि आज वो एक्टिविटी होने से पहले ये लेखपाल को पता चला कि उस पर कोई स्थगन का आदेश है, तो आज ये पैमाइश नहीं की जा सकती है और उसने पक्षकारों को इन्फॉर्म किया। इनके द्वारा भी ये बताया गया कि लेखपाल ने मना कर दिया कि आज पैमाइश नहीं हो सकती है। अब वो पूरा डिटेल उनके द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थितियों में जब विवाद होता है या किसी भी कोर्ट का स्थगन आदेश होता है तो उस कार्यवाही को रोक दिया जाता है। नोटिस के बाद में चूंकि सभी पक्षों को पता लगता है तो वो सभी अपनी बात बताते हैं। इसके बाद ये वहां से चले आए थे और इनके पीछे पीछे जो अपराधी थे वो इन्हीं के सगे भाई थे और वो इनके पीछे पीछे आए यहां पर, और यहां घर पहुंचने के बाद उनका सीसीटीवी फुटेज अभी पुलिस के लिए मिला है। उसमें इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ यहां पर विवाद हुआ, आपसी कुछ विवाद था और उसके बाद उन्होंने गोली चला दी। तो अभी ये बाकी चीजें तो विस्तार से इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनका सीधे उससे कोई जमीन का विवाद नहीं था, लेकिन उसको ये लगता था कि उसका जिसके साथ जमीन का विवाद है उसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यहां बताया जा रहा है। लेकिन ये सब अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें तहरीर दी गई है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी भी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी। इस घटनाक्रम में सर जो मुख्य अभियुक्त है उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, 20 से ज्यादा मुकदमे, ऐसे में उनके पास लाइसेंसी असलहे मौजूद होना, तो क्या इसमें भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आपकी तरफ से की गई है या मालूम पड़ा है कि मुकदमे होने के बावजूद भी उनके पास लाइसेंस था? नहीं, अभी इसके बारे में पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और वो भी इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा उस पर। सर 2009 में सर जो इनका लाइसेंस बना है उससे पहले इनको प्रेस्टिव शीटर और तमाम जो मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे, उसके बाद किस तरह